बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा गर्ल्स किचन। जी वैस, आज हम बना रहे हैं बीफ बोटी चटखारा, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाना बहुत ही इजी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये लिया है, बीफ की बोटी ली है, 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में कटी हुई है ये पीसीज हैं, और ये तकरीबन 1 किलो के करीब है, 1 kg के करीब। बीफ को सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डाल के गला लेंगे, इससे हमारी बोटी अच्छी नरम हो जाएगी और फिर इसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो हम ये डालेंगे बीफ सबसे पहले। जिंजर गार्लिक लिया मैंने 1 टेबल स्पून, वो डाल देंगे। नमक लिया है 1 टीस्पून, वो डाल देंगे। नमक इसमें हम पहले थोड़ा हल्का रखेंगे, क्योंकि जब हमने मसाला लगाना है उस वक्त भी हमें इसमें नमक ऐड करना है, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। एक प्याज लेंगे दरमियानी साइज़ की, और इसको इस तरह से काट लेंगे। इसको हम इस तरह से काट के डाल देंगे ताकि उसके सारे फ्लेवर्स उसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाएं। और एक गिलास से थोड़ा कम रख के पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं चलना चाहिए, हमें इसको ड्राई करना है पानी को। जी अब हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे और फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। यहाँ पर गोश्त को हमने गला लिया था, ये देखिए गोश्त हमारा कितना अच्छा गल के तैयार है, ये देखिए कितने आराम से ही टूट रहे हैं इसके रेशे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे, यहाँ पर हम ये मसाले डालेंगे। अब सूख मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे हम 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने पहले भी उसमें डाल लिया था गोश्त के अंदर गलाते हुए। चिली फ्लेक्स लेंगे 1 टेबल स्पून, और धनिया पिसा हुआ लेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून है। और हल्दी पाउडर लिया हमने, ये 1/4 टीस्पून है। और ब्लैक पेपर जो है वो काली मिर्च, ये हम लोगों ने लिया है 1/2 टीस्पून, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। जिंजर गार्लिक पाउडर लिया था हमने, ये हमने 1/4 टीस्पून लिया था, क्योंकि हम ये भी हमने पकाते हुए ऐड किया था। ये हमने लिया है 1.5 टीस्पून के करीब भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर। लेमन जूस डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। गर्म मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। चिली सॉस, हॉट सॉस यानी के, वो लेंगे हम 2 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि हम बना रहे हैं चटखारेदार, तो फिर चटखारों के लिए सारी चीज़ें तो ऐड करनी पड़ेंगी। इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, लेंगे 2 टेबल स्पून। इसके अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर क्रिस्प आ जाता है, फिर खाने में मज़ा आता है इसका। अब यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, वैसे ही स्पून से भी मिक्स अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया, और अब हम इसके अंदर जो है पीसीज ऐड करेंगे, उनको फ्राई करते जाएंगे। 1 बाय 1 हम इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाएगी इंशाल्लाह। और जो बच्चे आपके बड़े या बच्चे, कुछ लोग नहीं खाते गोश्त, वो बड़े शौक से इसको खाएंगे, देखिएगा आप इंशाल्लाह। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, और फिर मुझे अपनी फीडबैक भी आपने देनी है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं नए आने वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को देखें, शेयर करें, मुझे फीडबैक दें प्लीज़। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगा हम सबके लिए, कि आप हमें जब अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें पता चलता है हम कैसा काम कर रहे हैं। अब हम इसको पलट के चेक करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट गला तो हुआ है सारा, बस हमने इसको क्रिस्पीनेस देने के लिए इसको हमने फ्राई करना है, और जल्दी तेज़ आँच पर फ्राई करेंगे तो जल्दी से बन के हमारा ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ये देखिए, जी व्यूअर्स देखिए तैयार है बनके हमारा बीफ चटखारा बोटी। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत ही डिलीशियस बना है, आप इसको ट्राई करें, आप खाएं, देखिएगा कि जो बच्चे गोश्त नहीं खाते वो भी इसको बड़े शौक से खाएंगे और पसंद करेंगे। इसको आप सर्व करें पुदीने की चटनी के साथ, आप इसको केचप के साथ सर्व करें, आप इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मज़ेदार माशाल्लाह से बन के तैयार हुआ है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है,
और आपने मुझे फीडबैक्स भी देने हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आएगी। और अपने प्यार को, मोहब्बत को इसी तरह से दिखाते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।